नमस्कार, अब तक की तमाम खास खबरों के साथ मैं हूं प्रिया और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल। आइए डालते नजर आज की हेडलाइंस पर। आरती बैठे हड़ताल पर, ई मार्केटिंग का किया विरोध, प्रेस वार्ता भी हुई आयोजित। नकाबपोश बाइक सवार युवकों ने 4.5 लाख लूटे, दादरी बस स्टैंड के पीछे की है घटना। आरती पर चाकुओं से हमला कर गया। नकाबपोश बाइक सवार युवकों ने 4.5 लाख लूटे, दादरी बस स्टैंड के पीछे की है घटना। आरती पर किया चाकुओं से हमला। सामान्य अस्पताल में छेड़छाड़ का मामला आया सामने, अस्पताल प्रशासन ने कहा नहीं मिली कोई शिकायत। और अब खबरें विस्तार से। मंडी को ऑनलाइन किए जाने का विरोध कर रहे आढ़ती बुधवार को हड़ताल पर रहे। ग्रेन मर्चेंट एसोसिएशन के आह्वान पर हड़ताल कर रहे आढ़तियों ने मांगे पूरी न होने तक आंदोलन जारी रखने की बात कही। भिवानी अनाज मंडी में हड़ताल पर बैठे आढ़तियों ने बताया कि आज जिले की 10 मंडियों के 2500 आढ़ती ई मार्केटिंग के विरोध में हड़ताल पर रहेंगे। सरकार मंडियों में धान ई मार्केटिंग से खरीदना चाहती है, जबकि आढ़ती इसका विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि ई मार्केटिंग लागू होने से किसान और आढ़तियों का तालमेल बिगड़ जाएगा। उनका कहना था कि पिछले एक साल से ई मार्केटिंग के लागू होने से आढ़तियों को परेशान किया जा रहा है। हरियाणा और पंजाब में किसान की फसलें आढ़तियों द्वारा खरीदी जाती हैं। मार्केटिंग बोर्ड सिस्टम बहुत अच्छा है और आढ़ती और किसान का लेन देन भी अच्छा चल रहा है। नई अनाज मंडी के प्रधान सुभाष मित्तल और भिवानी व्यापार मंडल के अध्यक्ष विजय बंसल टैनी ने कहा कि किसी भी किसान यूनियन और किसान ने सीधे फसल बेचने की मांग नहीं उठाई है। बावजूद इसके सरकार जबरदस्ती ई मार्केटिंग के माध्यम से फसल बिकवाना चाहती है। उन्होंने कहा कि ये सिस्टम नहीं चल सकता। अनाज मंडी के आढ़तियों ने सरकार के इस फैसले को वापस लेने की मांग की। किसान आढ़ती मिलकर मिलजुल कर काम कर रहे हैं, किसी को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है, तो नए नए फरमान सरकार द्वारा जारी करना उचित नहीं है। इससे आढ़तियों को नुकसान है, मिलरों को नुकसान है, किसान को नुकसान है। खुली भाव खुली बोली मंडी में अगर फसल बिकेगी, किसान को फसल के पूरे दाम मिलेंगे। ऑनलाइन का सिस्टम जो है, जीरी की विभिन्न प्रकार की जीरियाँ होती है जिसमें 500 रुपये क्विंटल अप डाउन होता है, तो ऑनलाइन परचेज नहीं हो सकती। उसमें बड़ी भारी दिक्कत है या समस्या मोटी है। इससे आने वाली समस्याएं कई दफ़ा हम आप लोगों के माध्यम से सरकार को चेता चुके हैं, लेकिन ये गूंगी बहरी और ना समझने वाली सरकार कुछ नहीं कर रही है। इसलिए आज बंद जो रखा है, आगे की नीति हमारी 23 तारीख को करनाल में संपूर्ण रूप सभी व्यापारियों की एक रैली वहां पे बुलाई गई है। आगे का डिसीजन उसी में लिया जाएगा। ये सरकार व्यापारी को शोषण करती है, हर धर्मी कर रही है। अभी तो व्यापारी रोड़ा मचा रही है, आने वाले दिनों में सारे किसान जो हरियाणा के किसान है वो भी रोड को पुराएंगे। ई टेंडरिंग का किसानों को पतबल ही नहीं है, कंप्यूटर कहाँ से लेंगे, पेमेंट कहाँ से लेंगे। व्यापारी तो उसी दिन सरकार को कर देगा, व्यापारी किसान को दफ्तर भी नहीं, उसका पेमेंट नहीं मिलेगी। इस तरह के डिमांड को वापस ले ले, अगर ये सरकार इसको वापस नहीं लेती है तो 23 तारीख को करनाल में एक सभी आढ़तियों का सम्मेलन होगा, वहाँ ये फैसला लिया जाएगा। अगर सरकार इसको वापस नहीं लेती तो इसका फिर सारे हरियाणा में बंद का आह्वान किया जाएगा। बैंक में कैश जमा कराने जा रहे एक आढ़ती से नकाबपोश बाइक सवार युवकों द्वारा दिन दहाड़े लाखों की लूट का मामला सामने आया है। दादरी शहर में घटित इस घटना में आढ़ती चाकू लगने से घायल हुआ। लूट की सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके का मुआयना किया और लुटेरों की तलाश शुरू कर दी। दादरी की अनाज मंडी में रामोतार जयप्रकाश फर्म का मालिक नरेंद्र कुमार मंगलवार शाम करीबन 3:30 बजे स्कूटी पर सवार होकर स्थानीय लोहारू रोड स्थित पीएनबी बैंक शाखा में 4,75,000 रुपए जमा करवाने जा रहा था। जब वह स्थानीय बस स्टैंड के पीछे मथुरी घाटी क्षेत्र में पहुंचा तो पीछे से तेज गति से स्प्लेंडर बाइक पर सवार दो नकाबपोश युवकों ने उसे ओवरटेक करके रुकवाया और इसी दौरान रिवॉल्वर तानते हुए बैग उसे देने को कहा। आरती द्वारा विरोध करते हुए भागने का प्रयास किया गया, लेकिन युवक ने बैग वाले हाथ पर चाकू से ही हमला कर दिया। चाकू लगते ही नरेंद्र के हाथ से पैसों से भरा बैग गिरा और युवकों ने पैसों से भरा बैग उठाया और फरार हो गए। नरेंद्र ने तुरंत शोर मचाते हुए पुलिस को भी सूचना दी। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे सिटी थाना प्रभारी विकास ओलियान और उनकी टीम ने मुआयना किया और जाँच शुरू कर दी। इसी दौरान घायल को अस्पताल भर्ती कराया गया।
पीड़ित नरेंद्र ने बताया कि दोनों लुटेरे युवा थे और अपनी पहचान छुपाने के लिए दोनों ने ही हेलमेट पहना हुआ था। नरेंद्र ने बताया कि सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि वह कुछ भी समझ ही नहीं पाया। अपने घर से चला रहे हनुमान मंदिर की तरफ से चला जी, स्कूटी के ऊपर थैले में पैसे हैं जी मेरे 4,75,000 रुपये, दो थैले हैं जी, अंदर पीले रंग का थैला है, बाहर से बड़ा थैला है, उस थैले को मैं लेके अपने स्कूटी पे चल दिया जी। अच्छा, तो साहब बुरा है के? बस स्टैंड की खाड़ी के पीछे से कच्चे रास्ते से जब मैं आ रहा था तो एक स्प्लेंडर मोटरसाइकिल काले रंग की बिना नंबर प्लेट की, उसने पहले मेरे को चक्कू मारा जी, चक्कू मारने से उन्हें थैला नहीं छोड़ा था जी, उसने लात मारी जी, लात मारते ही उतरा नीचे और उन्हें मेरे गन्ने अड़ा दी जी, छोटी सी बंदूक ले रहा था जी, उन्हें अड़ा के और थैला खोसने की कोशिश करी जी, कोशिश करी थैला ने तो पैसे ने से पैसे काट ले और एकदम बैठ के और ऐसा जी पार हो गया जी, मैं इतना स्कूटी उठाने लगा जी, इतने में वो ये नहीं पता लगा कि इस साइड गए या इस साइड गए। गांव सिडान के पास शिवानी कैनाल नहर में डूबने से दो युवकों की मौत हो गई। हादसा तब घटित हुआ जब एक व्यक्ति का पैर नहर में पानी भरते समय फिसल गया, वहीं दूसरा उसे बचाने के चलते तेज पानी के बहाव के कारण अपनी जान गंवा बैठा। गांव सिडान के पास घटित हुए इस हादसे में मृतकों की उम्र करीबन 30 और 20 वर्ष बताई गई है। दोनों ही शिवानी के गाँव गेंडावास निवासी थे। प्राप्त जानकारी के अनुसार ये दोनों ही नहर में पानी देखने आए थे कि इसी दौरान एक युवक जब नहर से पानी भरने लगा तो उसका पैर फिसल गया और जब दूसरा युवक उसे बचाने के लिए नहर में कूदा तो ज्यादा पानी और तेज बहाव के कारण अपनी जान गंवा बैठा। डूबते वक्त दोनों युवकों के चिल्लाने की आवाज सुनकर खेतों से काफी लोग इकट्ठा हुए, लेकिन तब तक वे दोनों ही डूब चुके थे। घटना पाकर पहुंची पुलिस ने शव को नहर से बाहर निकलवाया और इत्तेफाकिया कार्रवाई करते हुए पोस्टमार्टम के लिए भिवानी सामान्य अस्पताल भेज दिया। जो सुवाणी कैनाल नहर है इसमें सिडान पुल के ऊपर एक बंदा पानी लेने के लिए इसमें घुस गया तो नहर में गिर गया, तो उसने आवाज लगाई बचाओ बचाओ तो दूसरा सतवीर जो था वो नहर में जब कूद गया, लेकिन तैरना दोनों को ही नहीं आता था, तीसरा बंदा भी इनके पास था, वो 15-20-10 मिनट तक इनसे कोशिश करता रहा लेकिन वो इनको निकाल नहीं पाया। तब आवाज़ लगाई, आस पड़ोस से लोग आ गए और घर वालों को सूचित किया, गांव से काफ़ी लोग आए, हम लोग भी वहाँ पहुँचे, पुलिस को सूचना दी, तो दो तीन घंटे बाद में उनकी बॉडी शाम के लगभग 6 बजे के करीब वहाँ से नहर से निकाली तो दोनों की मौके पर मौत हो चुकी थी। जो चाचा भतीजा थे नहर में दौड़ूराम नाम के व्यक्ति जो है बोतल भरने के लिए नहर में नीचा होया तो पैर भिजड़ गया, पैर भिजड़ने के कारण नहर में जा गिरा। दूसरा जो दादा थी उन्होंने प्लान लगाई वो दोनों क्योंकि उनको तैरना नहीं आता, दोनों को तैरना नहीं आता था। तो कहाँ पे हुई घटना? ये सिडान गांव के पास। जिला सामान्य अस्पताल में युवती से छेड़छाड़ का मामला सामने आया है, जहां एक तरफ इस घटना से अस्पताल के मरीजों के सुरक्षा प्रबंध पर सवाल खड़े हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ अस्पताल प्रशासन ने मामले की शिकायत तक न मिलने की बात कही है। बुधवार को नगर के चौधरी बंसीलाल सामान्य अस्पताल में भर्ती एक युवती से कुछ व्यक्तियों द्वारा छेड़छाड़ किए जाने का मामला सामने आया है, जहाँ एक तरफ इस घटना में अस्पताल के सुरक्षा प्रबंधों पर सवाल खड़े हुए, वहीं दूसरी तरफ अस्पताल प्रशासन ने इस तरह की कोई भी शिकायत मिलने की बात कही है। मेडिकल ने ना पूरा मेडिकल ने बेरा पाट रहा है इस बात का, किसी ने भी नुकसान कोई काम वो कर देंगे कुछ करवा देंगे, मेडिकल पुलिस में रिपोर्ट देते हैं कुछ नहीं कहा किसी ने भी। मैंने इस मामले में जैसे कि आपने बताया तो वहाँ के जो इंचार्ज डॉक्टर कृष्ण से पूछा है, उनके पास भी कोई शिकायत नहीं आई है, अगर कोई ऐसी शिकायत करता है उसको सख्त अनुशासनिक कार्रवाई करेंगे, इंक्वायरी करवाएंगे और जो भी दोषी होगा उसको सजा मिलेगी। बुलेटिन के अंत में एक बार फिर से नजर अब तक की तमाम खास हलचलों पर। आरती बैठे हड़ताल पर ई मार्केटिंग का किया विरोध, प्रेस वार्ता भी हुई आयोजित। नकाबपोश बाइक सवार युवकों ने 4.5 लाख लूटे, दादरी बस स्टैंड के पीछे की है घटना, आरती पर चाकुओं से हमला कर गया। नकाबपोश बाइक सवार युवकों ने 4.5 लाख लूटे, दादरी बस स्टैंड के पीछे की है घटना, आरती पर किया चाकुओं से हमला।
सामान्य अस्पताल में छेड़छाड़ का मामला आया सामने। अस्पताल प्रशासन ने कहा नहीं मिली कोई शिकायत। और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अन्य खबरों के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ।